वी आर गोइंग टू लर्न लव्स थियरी ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन. लव्स थियरी ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन हम डिराइव करने जा रहे हैं. हमने क्रिस्टलोग्राफी देख लिया है, क्रिस्टल्स देख लिया है. अभी क्रिस्टल्स को ये एज्यूम किया गया है इट इज़ मेड अप ऑफ एटोमिक प्लेन्स. ठीक है, एटोमिक प्लेन्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन से क्रिस्टल्स बने हैं. व्हेन द प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल्स आर एक्सपोज टू मोनोक्रोमैटिक एक्सरे, जब एक्सरे मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ एक्सरे को हम उस पर इंसिडेंट करेंगे, देन एक्सरेज का क्या होगा, स्कैटरिंग होगा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन बाई ईच एटम ऑफ द क्रिस्टल्स. द एक्सरे स्कैटर जो हो रहा है बाई ऑल द एटम्स आर इन द सेम फेज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. वेरी इंपॉर्टेंट, हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम यहाँ देख रहे हैं. दैट इज मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन. इंटेंसिटी कैसा रहेगा इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मैक्सिमम हमें उसी को कंसिडर करना है. लेट अस बिगिन द लव्स थियरी ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन. अभी हम लव्स थियरी ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन करने जा रहे हैं. तो उसमें हमने ए एंड बी दो एटम्स कंसिडर किया है और इस पर हम मोनोक्रोमैटिक एक्सरे विल इंसिडेंट. तो फर्स्ट यहाँ से जो इंसिडेंट हो रहा है ए पे जाके हिट होने के बाद व्हाट विल हैपन, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन एंड दिस इज द न्यू डायरेक्शन. लाइकवाइज दूसरा इंसिडेंट रे, वो उसी टाइम पे दूसरा रे जा रहा है एंड इट इज इंसिडेंट ऑन एटम बी. एंड अगर एटम बी नहीं होता तो इट विल टुक दिस पाथ, ये पाथ उसको लेना चाहिए था. बट आफ्टर आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द बी एटम तो उसने नया डिफ्रैक्टेड डायरेक्शन लिया है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस. सिंस दिस इज रे डायग्राम, एरो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एन जीरो इज द यूनिट वैक्टर, इट ओनली गिव द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम. एंड एन कैप इज द अगेन यूनिट वैक्टर ऑफ द डिफ्रैक्टेड एक्सरे बीम. ठीक है, एंड देन हमने ये पूरे रिफ्लेक्टेड वाले रेज को हमने ड्रॉ कर लिया है. दिस इज एन जीरो कैप, दिस इज एन रिजल्टेंट ऑफ बोथ द थिंग्स. तो एन बार इज इक्वल टू एन जीरो कैप माइनस एन कैप. सो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग प्लेन एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर. सो जब हमें पाथ डिफरेंस निकालने के लिए जब बोलते हैं तो पाथ डिफरेंस कितना है, यहाँ से तो ये सबसे इक्वल है और यहाँ से भी ये पूरा इक्वल है. तो डिफरेंस कहाँ पे है, इतने पोर्शन में है. तो हमारा जो पाथ डिफरेंस रहेगा ये रहेगा सी बी माइनस ए डी. पाथ डिफरेंस क्या रहेगा, सी बी माइनस ए डी, दैट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेस. सो लेट अस राइट एवरीथिंग. कंसिडर A monochromatic beam of X-rays of wave length lambda, wavelength को lambda से denote किया गया है, incident on the crystal and diffracted from two identical crystal atoms A and B. A and B, let small r is the separation between A and B, AC and BC is the incident wavefront and reflected wavefront after scattering respectively. So A से C
and BCD. AC is representing the incident wavefront and BD is representing the reflected wavefront. Let N naught cap and N cap are respectively the unit vectors in the incident and scattered directions, then the path difference between the scattered X-rays from the point A and atom A and atom B is, this is path difference. Path difference is denoted by triangle delta. CB minus AD, as I already told you. But CB is the projection of vector R bar on N0 cap is equal to R bar into dot N0 cap. Similarly, AD is the projection of vector R bar on N cap, which is equal to R bar into N cap. CB क्या है? Projection of vector R bar on N0 cap है. उसी को हम लिख सकते हैं R bar into N0 cap. And AD क्या है? AD is the projection of vector R bar on N cap, which is equal to R bar dot N cap. So path difference को हम लिख सकते हैं. Therefore, path difference delta is equal to R cap dot N0 cap minus R bar dot N cap, which is equal to R bar को हम common निकाल रहे हैं, N0 cap minus N cap, which is equal to R bar dot N. ठीक है, वो जो N था diagram में दिखा है, let us see the diagram. N is N0 cap minus N cap, ये ऑलरेडी हमने बोल दिया, यही हमने वहां पे derivation में लिखा है. Where N cap, capital N cap is equal to N0 cap minus N cap. ठीक है, now therefore phase difference between the X-rays scattered from the point O and P is given by, this is A and B, is given by phi is equal to 2 pi by lambda into path difference. अभी हमने path difference निकाला, just substitute the value. तो R cap dot N cap, equation number 1. But
फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंसिडर करना है. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ फेज डिफरेंस बिटवीन द एक्सरेज स्कैटर्ड फ्रॉम ईच एटम. ठीक है, फेज डिफरेंस जो है स्कैटर्ड फ्रॉम ईच एटम ऑफ द क्रिस्टल इन दैट डायरेक्शन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 pi. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 pi मीन्स ऑल द स्कैटर्ड एक्सरे जो एक्स रेज है आर इन द सेम फेज. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द स्कैटर्ड एक्सरेज आर इन द सेम फेज. देयरफॉर ड्यू टू पीरियोडिसिटी ऑफ 3-dimensional क्रिस्टल आर में कोइंसाइड एनी ऑफ द 3 प्रिमिटिव वेक्टर्स ए बी और सी. ठीक है, ड्यू टू पीरियोडिसिटी जो हमारा क्रिस्टल्स है वो पीरियोडिक है इन 3 dimension. तो आर जो है मैं कोइंसाइड विथ एनी ऑफ द प्रिमिटिव वेक्टर्स ए बी एंड सी. दस फॉर मैक्सिमा ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज फेज difference along A is equal to 2 pi by lambda A dot n cap. इसी को हम लिख सकते हैं 2 pi h prime is equal to 2 pi n h. Similarly, phase difference in B direction, B primitive vector के direction में रहेगा 2 pi by lambda B dot n cap is equal to 2 pi, यहाँ आ जाएगा k prime is equal to 2 pi n k. phase difference in c direction 2 pi by lambda c dot n cap is equal to 2 pi l prime is equal to 2 pi n l, where h prime, k prime and l prime are integers. Atom A and B are nearest neighbors and so magnitude A, B and C represent kya karta hai interatomic distance along their respective crystallographic axis. Integer h prime, k prime and l prime and h, k, l differ only by common factor at n. तो ये h prime, k prime और l prime and h, k, l इनमें difference सिर्फ n का है, which is greater than or equal to unity. ये हो सकता है greater than हो सकता है या equal to unity. Hence, it makes to consider above integer, जो integer था h, k, l, वो similar है, किसको similar है, Miller indices को, of the plane, which happens to be reflecting plane. Let alpha, beta and gamma be the angle between the scattering normal n cap and the crystallographic axis a bar, b bar and c bar respectively, then a bar dot n bar is equal to a n cos alpha, इनके बीच में cos alpha है angle, and is equal to 2 pi alpha sin theta cos alpha. Similarly, b dot n cap is equal to b n cos beta is equal to 2
ए एन इज इक्वल टू टू, यहाँ पे ए है पाई नहीं है, टू ए इंटू अल्फा, यहाँ पे आएगा टू बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस बीटा एंड सी कैप एन कैप इज इक्वल टू सी एन कॉस गामा इज इक्वल टू टू सी साइन थीटा कॉस गामा, दिस इज रॉन्ग, वहाँ अल्फा लिखा था, टू पाई इंटू साइन थीटा कॉस अल्फा, टू बी साइन थीटा कॉस बीटा एंड टू सी साइन थीटा कॉस गामा, कॉस गामा। सिंस एंगल बिटवीन एन जीरो कैप एंड एन कैप इज टू थीटा, देयरफॉर मॉड एन कैप इज इक्वल टू टू साइन थीटा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री, हेंस इक्वेटिंग इक्वेशन टू एंड थ्री, ए कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू टू ए साइन थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू एन एच लैम्डा, बी डॉट एन कैप इज इक्वल टू टू बी साइन थीटा कॉस बीटा विच इज इक्वल टू एन के इंटू लैम्डा एंड सी डॉट एन कैप इज इक्वल टू टू सी साइन थीटा कॉस गामा विच इज इक्वल टू एन एल लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन फोर आर कॉल्ड लव्स इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन फ्रॉम द क्रिस्टल, फ्रॉम द क्रिस्टल फॉर द एक्सरेज ऑफ गिवन वेव। Thank you.